गुलबर्गा शहर में रेलवे स्टेशन के सामने तमाम ऑटो ड्राइवर्स को ऑटो खड़ा करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। रेलवे अथॉरिटीज़ के जिम्मेदार ऑटो ड्राइवर्स को स्टेशन के सामने ऑटो लगाने पर पाबंदी लगा रहे थे। अगर कोई ऑटो ड्राइवर्स यहां ऑटो खड़ा करते हैं तो उन पर तगड़ा फाइन लगाया जा रहा था। हर दिन परेशानी को बढ़ता देख ऑटो ड्राइवर्स आम आदमी पार्टी सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद अली इनामदार और दीगर आम आदमी पार्टी लीडर से मुलाकात कर अपनी परेशानी सुनाई है। ऑटो ड्राइवर्स को परेशान देख सज्जाद अली इनामदार और दीगर आम आदमी पार्टी लीडर्स ने रेलवे अथॉरिटी और पुलिस डिपार्टमेंट से मुलाकात कर ऑटो ड्राइवर्स की परेशानी पर डिस्कशन कर इस मसले को हल किया है। सज्जाद अली इनामदार ने कहा, आम आदमी पार्टी का मकसद परेशान आवाम की मदद करना है। अगर आगे भी इसी तरह कोई परेशानी हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा इनको सपोर्ट करेगी। अपनी परेशानी को हल होता देख ऑटो ड्राइवर्स ने सज्जाद अली इनामदार और दीगर आम आदमी पार्टी लीडर्स का शुक्रिया अदा किया है। मैं सैयद सज्जाद अली इनामदार, आम आदमी पार्टी का कलबुर्गी सिटी का प्रेसिडेंट। यहाँ हम आज हमारे सारे टीम के साथ गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड में मौजूद हैं। मैं मेरे तमाम टीम के साथ यहाँ पर 2018 से ये हमारे ऑटो वाले भाइयों को एक मसला दरपेश था। रेलवे अथॉरिटीज़ ने इनको एक तरफ से अंदर आने के लिए, दूसरे तरफ से बाहर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिए थे। सिर्फ लेफ्ट साइड से आना, वो लेफ्ट साइड से ही जाना, सिर्फ 100 फीट का फासले पे उन्होंने उतना ही जगह दिए थे। ये हमारे शहर के जितने स्ट्रेंथ है ऑटो का उसके लिए ना काफ़ी है, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। तो आपने, ये ऑटो वाले हमारे भाइयों ने हमारे आम आदमी पार्टी को अप्रोच किया। हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 2 तारीख के शाम को यहाँ पर आकर PSI से बात की और हमारे ऑटो वालों के जो मसाइल थे उसको सुना। उसके बाद 3 तारीख हमारा एक फंक्शन था, वो फंक्शन में कुछ ऑटो के भाई मेरे से मुलाकात करें और बोले, सर वो हमारा मसला बहुत संगीन है, हमें रोज़ जो है ना पुलिस वाले बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, फ़ाइन डाल रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे, ज़रा चलिए बोल के 3 तारीख के 7:30-8 बजे मुझको बोले। मैंने फौरन रेलवे स्टेशन आया। रेलवे स्टेशन आकर मेरे ऑटो वाले भाइयों से पूरा बात की मैंने। मेरे ऑटो वाले भाइयों से मैंने बात की, उनकी तकलीफ को सुना। उन्होंने बताया यहाँ पर पूरे पत्थर रख के, बैरिकेड रख के, ये लेफ़्ट साइड का रास्ता पूरा ऑटो के लिए बंद किए थे और यहाँ से खाली आधा यानी 50% बहुत हुआ तो एक 10 से 20 ऑटो ठहर सकते थे, उतना ही जगह दिए। हमारी एक ट्रेन के लिए कम से कम 100 ऑटो यहाँ पर आते, मुसाफिर के लिए आते, उनको छोड़ने वालों के लिए आते, 90% लोग जो है ना ऑटो से आते। तो उनका मुतालबा सुनने के बाद, उनकी तकलीफ़ सुनने के बाद मैंने रात को 8:30-9 बजे स्टेशन मैनेजर को फ़ोन कर दरियाफ्त किया तो उन्होंने 4:11 बजे हमको मीटिंग बुलाई। मैं और मेरे साथियों ने स्टेशन मैनेजर से मीटिंग की बात की तो स्टेशन मास्टर का रवैया बहुत अलग था। कह रहे थे, नहीं हमारे से होता नहीं, वो ऊपर से परमिशन लेना, नीचे से परमिशन लेना, वो ऑटो वाले हमको ऐसा तंग करते वैसा तंग करते। बोले, मैं बोले ऑटो वाले के और हमारे ये सब बाप की जगह है। क्या है? बाप के, हमारे बाप की जगह है, हमको हक है, राइट है पूछने का, मांगने का। तो फिर दूसरे दिन जो है ना, मैं ADMN असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर से बात की, बड़ा बहुत अच्छा साहब हैं वो, क्या बाबू ADM बहुत अच्छा साहब है। उन्होंने सब ऑफिसरों को बुलाए, मीटिंग करी, रेस्पॉन्स दिया, रेस्पॉन्स देके आज सुबह की मीटिंग तय की। आज सुबह में हमारा मसला ADRM ने हल किया तो हम सब ने आपको यहाँ कर लेकर जो बैरिकेडिंग हटा दिए, पत्थर हटा दिए, तो आपका मसला पूरा हल हो गया। मैं
ये मेरा हल हो गया तो मैं आप पे एहसान नहीं करा, हम आप पे एहसान नहीं करें, ये हमारी ड्यूटी है हमारे आवाम की हिफाजत करना, उनको फ़ायदा पहुंचाना, उनका काम करना मेरा, मेरे पार्टी का और हम सबका काम है। हम आपके लिए हमेशा 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। तो आज आप हटाए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। अपील और रिक्वेस्ट क्या है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए। डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद अगर आज आपको कोई भी तकलीफ होती है तो हम आपके साथ हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस से हो। मैं ट्रैफिक पुलिस से भी बात किया हूं, मैडम ये पेट का रोज़गार यानी पेट का मसला है, बाल बच्चों का मसला है, फ़ाइन मत डालिए, रियायत दीजिए। तो भारती मैडम ने मेरे बात को एक्सेप्ट किया है, तो वो इंशाल्लाह यहाँ पर फ़ाइन उन नहीं डालेंगे। अगर ऐसा कुछ रहा तो हम उनसे भी बात करेंगे, कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे, और आपको हम दिलासा देते हैं, वादा करते हैं हमेशा हम आपके साथ हैं, और अपील करता हूँ आप हमारा साथ दें। बहुत तकलीफ़ थी इधर स्टेशन मज़ार में ऑटो स्टैंड पे, आम आदमी पार्टी का मैं शुक्र अदा करता हूँ। कितने साल से तकलीफ थी यहाँ पे? नहीं, 2 साल से तकलीफ थी लॉकडाउन में, जब से 18 से कि लॉकडाउन में फतरे वो लगे थे, वो हिसाब से हम आम आदमी पार्टी को बोलने की वजह से उन्होंने आके हमारी तकलीफ़ दूर कर दिए, इनका पूरे जने का शुक्रिया अदा करता हूँ। I'm going to go to the next one.